एक रस्सी है जिसका एक सिरा ख्वाहिशों ने पकड़ रखा है और दूसरा औकात ने। इसी खींचातान का नाम जिंदगी है और यही जिंदगी है मिडिल क्लास की। दोस्तों, अमीर बनना और दिखना दो बातें हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसे समझने से पहले एक बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ज्यादातर अमीर लोग गरीब ही पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद दौलत कमाई, अपने दम पर अपना एम्पायर खड़ा किया और आज आप ही लोग उन्हीं से इंस्पायर होकर अमीरी का सपना देखते हैं। अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको अमीरी को समझना है, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाना है। अक्सर मिडिल क्लास लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि आप रिस्क से डरते हैं, आप सेविंग ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं, आप डरते हैं कि जो कमाया कहीं वो भी ना चला जाए। अगर आप भी ऐसी सोच, फिजूल खर्च की आदतों और मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हैं, तो ये चर्चा सुनने के बाद आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। आप अंत में खुद से सवाल करेंगे कि ये कितना आसान था और मैं खामखां डर क्यों रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चर्चा में हम समझेंगे फाइनेंशियल ट्रिक्स, हमारी मनी मिस्टेक, शो ऑफ और अमीर बनने और दिखने का फर्क। हम ये भी देखेंगे कि आपने अब तक काफी छोटी छोटी गलतियों से खुद का काफी फाइनेंशियल नुकसान भी किया होगा। अक्सर मिडिल क्लास लोगों के पास हमेशा पैसे की दिक्कत रहती है, ऐसे में या तो आप कमाने की सोचते हैं या फिर खर्चे को लेकर परेशान रहते हैं। अब होता यह है कि इन सब के बीच आप आर्थिक नुकसान पहुंचाते जाएंगे, जैसे कि किस्त, रोजमर्रा की फालतू जरूरतें या शो ऑफ के चक्कर में आप खुद को फाइनेंशियल लॉस देते जाएंगे। जब आप यहां तक पहुंच ही गए हैं, तो हम ये भी क्लियर कर लेते हैं कि अब तक आपने इस टॉपिक पर काफी बुक्स पढ़ी होंगी, इंटरनेट पर सर्च भी किया होगा, कई बार देखा या पढ़ा भी होगा और फिजूल की बात समझकर स्किप कर दिया होगा। ऐसा क्यों? भारी भारी फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टिंग की गणित और सर के ऊपर से जाती फाइनेंस गुरुओं की बातें, यहां ऐसी कोई एडवाइस देकर आपको बोर नहीं किया जाएगा, बल्कि मैं और आप उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जिन्हें रियल लाइफ में आजमाया जा सकता है। कुछ गलतियों पर गौर करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सकते हैं। हम सीधी बात नो बकवास के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। चलिए आपसे एक सवाल करता हूं, कितने मोटिवेशनल वीडियोस हैं, कितनी कहानियां किस्से हैं जो कहते हैं कि 5 मिनट का ये वीडियो आपको अमीर बना देगा, अमीर बनना है तो ये 5 बातें ध्यान रखें। इन वीडियो और ट्रिक्स के हिसाब से तो अब तक पूरा देश अमीर हो जाना चाहिए था, है ना? दोस्तों, हकीकत बहुत अलग होती है। जरूरत है ग्राउंड जीरो वाली कंडीशन समझने की और रोजाना हो रही गलतियों को ठीक करने की। ये चर्चा इन्हीं गलतियों पर फोकस करेगी। हाँ, कुछ लोग इसे अपनाएंगे, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो होगा, ताकि आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊंचा उठ सके। सबसे पहले मिडिल क्लास के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत बड़े कवि हुए थे नारायण मिश्र, उन्होंने कहा था, मिडिल क्लास मतलब ना इधर के ना उधर के, यानी बीच में लटके हुए। तो क्या आज भी मिडिल क्लास को इसी तरह डिफाइन किया जाए? इतने साल बाद भी कोई चेंज क्यों नहीं आया? आज तक भी मिडिल क्लास अपने हालातों में कोई बदलाव क्यों नहीं ला सके? इसके सबसे बड़े 3 रीजन है, रिस्क का डर, रिचपने का दिखावा और फिजूल खर्ची की आदत। आजकल मिडिल क्लास बने रहने को इन 3 रीजन से डिफाइन किया जाए तो गलत नहीं होगा। अब चाहे तीनों में से एक भी रीजन हो, लेकिन ये फैक्ट हर मिडिल क्लास फैमिली पर फिट बैठता है। मेरी इस बात से आप जरूर रिलेट करेंगे कि बहुत से लोग अपने कमाए पैसे से उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं, वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं जिनको वो पसंद नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं ट्रैप से निकलने का सफर। बचपन से एक नाम मिडिल क्लास के बच्चे बच्चे को मालूम है, वो नाम है लोन। सबसे ज्यादा लोन लेता भी मिडिल क्लास ही है, और ये सहूलत कभी कभी बहुत परेशानी बन जाती है। आप सिस्टम देखिए, एक गरीब व्यक्ति की जरूरतें और अवेयरनेस इतनी नहीं है कि उसे लोन लेना पड़े, वो तो बैंक के नाम से भी डरते हैं। अब आते हैं अमीर लोग, जिनके लिए लोन लेना इतना आसान है कि बैंक के कर्मचारी खुद जाकर उनके साइन लेने आते हैं। साहब, आप तो बताओ लोन कितना चाहिए? ये सब उनके लिए इतना आसान है कि उनके पास पैसा होते हुए भी पैसा और आसानी से मिल रहा है। अब बचा कौन? मिडिल क्लास लोग, जिन्हें लोन की सबसे ज्यादा जरूरत है, और फिर इतना भारी ब्याज चुकाना होता है कि हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोन की किस्तें चुकाते चुकाते लोग मिडिल क्लास के ठप्पे के साथ ही जीते रह जाते हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जो आपको मिडिल क्लास से ऊपर नहीं आने देता। गरीब को चिंता है कि सुबह की रोटी कैसे नसीब हो, अमीर का बीपी बढ़ रहा है कि इतना पैसा खर्च कहां करूं, यहां मिडिल क्लास पिस रहा है
कि लोन की किस्त जल्दी से चुका दी जाए तो अगले कर्ज के बारे में सोचे। यानी जिसे चाहिए उसके पास पैसा आ नहीं रहा है, जिसे नहीं चाहिए पैसा खुद उसके पीछे भाग रहा है। तो लोन नाम का ये ट्रैप हम सभी के लिए वेल नोन ट्रैप है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डर की। मिडिल क्लास लोगों को लेकर एक माइंडसेट बना हुआ है, वो कुछ नया करने से या रिस्क से बहुत डरते हैं। ये लोग आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ऑफिस में बैठे या फिर चाय की टपरी पर, और अक्सर कहते हुए नजर आएंगे कि जितना है उसमें खुश हूं, और रिस्क लेके मुझे सब कुछ बर्बाद करना है क्या, और चाय की लास्ट सिप लेते हुए निकल लेंगे। आपने नोटिस किया होगा किसी सेल्समैन को हड़काते हुए भी अक्सर नजर आ जाते हैं। हाँ, इनके दिमाग में बिजनेस के आइडियाज तो रोज आते हैं, लेकिन नुकसान का डर सताता है। उस पर पिताजी का चेहरा याद आ जाता है जब उन्होंने कहा था बेटा कॉमर्स ले ले, लेकिन नहीं, बोल्ड डिसीजन के चक्कर में अतरंगी डिग्री कर ली। अब उक्तो, यानी अगर घर का बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद बिजनेस करना चाहे तो बचपन से रिस्क और आर्थिक नुकसान का डर उसे रोक देता है। ये डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब बात दिखावे की। इमेजिन कीजिए अमीरी क्या है, बड़ी गाड़ी, बड़ा सा घर, वेकेशन पर अलग अलग जगह घूमना, बस इसी को तो अमीरी कहते हैं। ये तो आप और मैं कोई भी कर सकता है, लेकिन इन सब चीजों में पैसा लगता है और वो है ही नहीं। मान लीजिए हॉलीडे पर कहीं जाने का मूड बन भी गया तो बजट नाम का एक शैतान उसे कैंसिल करवा देता है। और दिखावा, वो तो सबसे अव्वल करना है कि गर्मियों की छुट्टियों में आप कौन कौन से देश घूमने गए, शॉपिंग के लिए आप कौन से मॉल में जाते हैं, दुबई गए कि नहीं, अगर नहीं तो आप मिडिल क्लास की श्रेणी में। मिडिल क्लास लोग इस टैग से बाहर निकलने की कोशिश में सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। रही सही कसर इंस्टाग्राम और फेसबुक पूरी कर देते हैं। बाहर घूमने गए तो सबूत दो भाई, फोन में सजाने को रखी है क्या फोटोज। वो कहते हैं ना, लोगों को आजकल अच्छी चीजों का शौक नहीं बल्कि अच्छी दिखने वाली चीजों का शौक है। स्टोरी जो डालनी है हैशटैग वाली। ये तो सच है कि मिडिल क्लास को अपनी आदतें बदलनी होंगी और डर के आगे जीत के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करना होगा। ये चर्चा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या हम सही मायनों में अपने पैसों के साथ जस्टिस कर रहे हैं। आप देखिए, आजकल हर व्यक्ति पर एक जुनून सवार है कि लोग उनकी बातें करें, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही शो ऑफ करना पड़े। उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे, उसकी कोठी मेरी कोठी से ऊंची कैसे। आज के दौर में हर इंसान अपने को दूसरे से बढ़कर ही दिखाने और दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में रहता है। कार चाहे 4 लाख की हो या 40 लाख की, उसमें बैठने वाले 5-6 साथी होंगे। आज अकेले बंदे को बड़ी सी गाड़ी में देखकर उसकी इकोनॉमी का अंदाजा लगाया जाता है। यानी आपके पास छोटी कार है तो या तो आप मिडिल क्लास हैं या फिर आपने जैसे तैसे कार ली होगी। ये माइंडसेट आजकल के यूथ में बहुत पॉपुलर है। इसे देखकर मिडिल क्लास जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगा और ट्रैप में फंसता जा रहा है। आपको याद होगा पहले टेलर मास्टर ब्रांड की स्लिप शर्ट के या पैंट के अंदर की तरफ छुपा कर लगाते थे, अब ब्रांड के टैग बाहर लगने लगे ताकि भरपूर दिखावा किया जा सके। ये सब चीजें मकड़ी के जाल जैसा ट्रैप है जिसमें मिडिल क्लास तो फंस जाता है लेकिन बड़े हाथी आसानी से निकल जाते हैं। आप ही सोचिए, ये सब चीजें भला ट्रैप नहीं है तो क्या है। अब आप पूछेंगे इतना कुछ बता दिया तो सब तो हमें मालूम है, आगे क्या। इस ट्रैप और टैग से पीछा छुड़ाने के तरीके भी हैं, और अगर आपने इन्हें फॉलो किया तो सच में मैं अमीर पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे हाथ में है कि मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं परंपराएं तोड़ना चाहता हूँ, मुझे जुनून है कि मैं इस मिडिल क्लास के ठप्पे को हमेशा के लिए खुद से हटा दूँ और उस लाइफ की धज्जियां उड़ा दूँ जो मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने से रोकती है। अब तक आपने सुना कि मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग जिंदगी भर उसी टैगलाइन के साथ जीते रहते हैं, और तो और कई बार दिखावे की दुनिया में उलझकर उसी में फंसे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं हम पर एक माइंडसेट हावी रहता है, फाइनेंशियल नुकसान और सब कुछ खो देने का डर। आप अमीरी की बात छोड़िए, लिविंग स्टैंडर्ड को माइंड में रखिए, सब कुछ धीरे धीरे होगा। एक बार आप अपने इस लिविंग स्टैंडर्ड के गोल को अचीव कर लेंगे तो धीरे धीरे अमीरी का मतलब साफ होता जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब मन में धीरज रखने से ही सब कुछ हासिल होता है। अगर माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल ऋतु के आने पर ही लगेगा। चलिए समझते हैं, कुछ लोगों के लिए मैथ्स इतना आसान क्यों है, कुछ के लिए बेहद मुश्किल। एक्चुअल में हम दिमाग को एक ही संदेश बार बार भेजते हैं कि मैथ्स मुझसे ना हो पाएगा। यही मुझसे ना हो पाएगा, मेरे बस का नहीं, इसे दिमाग एब्जॉर्ब कर लेता है।
और आप जब भी मैथ की बुक खोलते हैं वही माइंडसेट हमें इजी सी दिखने वाली मैथ्स को भी बहुत हार्ड बना देता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जिम तो कई लोग जाते होंगे, आपने देखा होगा कि अक्सर हम हैवी वेट मशीनों को देखते ही एक चीज बार बार दोहराते हैं, इतना वजन मैं नहीं उठा पाऊंगा, चोट लग गई तो, कुछ हो गया तो। बस यही आपने हार मान ली और खुद का एक माइंडसेट तैयार कर लिया कि ये मेरी हद है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। यानी हमने अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बना लिया, हमने मिडिल क्लास होने को एक कंफर्ट जोन बना लिया। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी हमें इसमें आगे बढ़ने से, नई सोच से रोकता है। हम उसी आरामगाह में जीना चाहते हैं जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं। चलिए समझते हैं कैसे। हम कहानी को तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, लोअर, मिडिल और अपर क्लास। अब देखिए, लोअर क्लास रोज कमाती है, रोज खाती है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि उन्हें सिर्फ आज आज का इंतजाम ही करना है, उन्हें पीढ़ियों की परवाह नहीं, ना ही कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसे उन्हें जीवन भर निभाना है। ऐसे में उनके पास रिस्क लेने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। इसे समझने के लिए फिल्म के कैरेक्टर पुष्पा और KGF के रॉकी को आप अपने माइंड में रखिए। क्या सिमिलैरिटी पाते हैं आप उनकी कहानी में? गरीबी और रिस्क। हर कहानी का नायक या तो गरीब है या बहुत अमीर। अब रिच क्लास को समझिए, जिनके पास इतनी सेविंग तो है कि वो रिस्क ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड का कैरेक्टर ले लीजिए जो एक रिच क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। क्या उसने आपकी तरह नौकरी चुनी या कोई नया बिजनेस शुरू किया? अच्छा, आपने नौकरी क्यों चुनी? क्योंकि आप मंथली इनकम से संतुष्ट हैं, आप सेटिस्फाइड हैं कि आप जितना कमा रहे हैं वो आपके लिए इनफ है। ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में कहीं जितना आपके पास है वो भी ना गवा दे। मतलब आप ना तो अपनी पेशेंस का यूज करेंगे ना ही रिस्क लेंगे, बस कमाए जाओ, प्रभु के गुण गाए जाओ। और एक ये जो सेविंग्स को लेकर प्रथा चली आ रही है, हम इसी ट्रैप से ऊपर नहीं आ पा रहे। हमें शुरू से ही सेविंग्स करने की सलाह दी जाती है, लेकिन रिस्क और इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई बात नहीं की जाती। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा कहां से आए। क्या आप जानते हैं हमारे देश में सिर्फ 10% लोग हैं जो रिच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बल्कि 50-60% मिडिल क्लास की कैटेगरी में। मिडिल क्लास में इतनी भीड़ क्यों है भाई? जिसका एक ही रीजन है, पैसे की समस्या और जॉब क्लास, जो सिर्फ सोचते हैं कि पैसा कैसे आए लेकिन रिस्क से डरते हैं। हम बजट बनाने, कॉम्प्रोमाइज करने और सेविंग के चक्कर में मिडिल क्लास ही बने रह जाते हैं, फिर भी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि सेविंग में उतनी भलाई नहीं है। एक तो ये पूरी लाइफ आपको बांध के रखती है, आप सेविंग्स के चक्कर में अपने सपनों को भूल जाते हैं। सेविंग करो लेकिन अच्छे इन्वेस्टमेंट और मनी माइंडेड भी बनो। सेविंग करने वाले लोग फिर भी एक बार को नुकसान से बच जाते हैं, लेकिन एक और कैटेगरी है जो फ्यूचर में सबसे बड़ा नुकसान झेलती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज्यादा अमीर दिखने के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का नुकसान कर लेते हैं। समझते हैं कैसे? दिखावे के चक्कर में महंगे फोन और यूज्ड कार लेना। हम यूथ को रिलेट करते हुए बात करें तो आज बड़ी कंपनियों में खुद की बेहतर लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में कुछ लोग सेविंग तो क्या, बचे खुचे पैसों को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसा दांव जो अक्सर खर्चे बढ़ा देता है, जैसे शो ऑफ के चक्कर में कोई पुरानी कार खरीद रहा है और दोगुना इंटरेस्ट पर EMI भर रहा है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, ऐसी चीज लो जो घर में काम आए, चार पैसे नहीं भी कमाए तो कम से कम खर्च तो ना करवाए। लेकिन नई जनरेशन दिखावे के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत नुकसान कर रही है। एक किस्सा सुनाता हूँ। दिल्ली शहर आज नॉर्थ इंडिया में काम करने वाले फ्रेशर्स के लिए स्वर्ग है। एक तो झट से नौकरी मिल जाती है और दूसरा आसपास के स्टेट से अच्छी सैलरी प्लस बढ़िया लाइफस्टाइल। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, करीब से गुजरो तो यूं ऊंची गर्दन करके देखना पड़े। अब ऐसे में क्या होता है, आपकी कंपनी तो लगातार ग्रो करती है लेकिन इंप्लॉइज दिखावे के चक्कर में इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं। ऐसी उनकी लाइफस्टाइल को देखकर ही समझ में आ जाता है, सभी अपनी कार से, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड कपड़ों से कम बात ही नहीं करते। ये आजकल इनकम दिखाने का जरिया भी है, जितनी लंबी कार उतनी मोटी सैलरी। वो कहते हैं ना, पुरुष से सैलरी ना पूछो और महिलाओं से उम्र। तो सैलरी मत पूछिएगा, बस ये पूछ लीजिए कि भाई कौन सी कार चलाते हो। बात ये भी है कि आजकल ये सब स्टेटस सिंबल बन चुका है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं कई सर्वे का हिस्सा रहा, जहां रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ऐसी मेट्रो सिटीज में जॉब करने वाले यूथ अक्सर शो ऑफ का शिकार होते हैं। सिर्फ 20% यूथ ही ऐसा है जो घर परिवार की जिम्मेदारी होने के कारण इन सब चीजों से बचा हुआ है। बाकी 80% लोगों पर किसी ना किसी फिजूल खर्च का लोन चल रहा है। आजकल के यूथ को एक बात समझनी होगी, लोन से ली हुई चीज आपकी संपत्ति कतई नहीं है, ये आपकी देनदारी है, यानी उधार, लायबिलिटी।
ऐसी कंपनियों में अक्सर आपके एचआर आपकी रियल फाइनेंशियल कंडीशन जानते हैं, तो जरा उनका कहना भी सुन लीजिए। आजकल रियलिटी में लोग जीना नहीं चाहते, अकेले आने के लिए एसयूवी की क्या जरूरत, महंगा फोन होने से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इनका सब दिखा हुआ है। सैलरी का 70% तो इन लोगों का किस्तों में चला जाता है, हम यही जाने कि ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। हाँ, दिल पर चोट जरूर लगी होगी। इसका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी था कि हम ऐसे छोटे छोटे किस्सों को रिलेट करेंगे, तब जाकर एक बड़ा बेस तैयार होगा जो हमें पैसे की कीमत और फिजूल खर्च बढ़ाने से रोकेगा। आजकल का यूथ नौकरी पेशा हो या फिर एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा हो, यहाँ खास उनके लिए कई टिप्स हैं। हम मनी मैनेजमेंट और उससे जुड़ी कई बातों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी सैलरी या प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव करने के साथ इन्वेस्ट करने की आदत भी डालें। आप सबसे पहले खुद से वादा कीजिए कि 18 से 40 साल तक की एज मेरे लिए स्ट्रगल और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। मैं खर्च करूंगा तभी तो कमा पाऊंगा, और कमाऊंगा उसे सेविंग्स के तौर पर अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट भी करूंगा। वैसे सिर्फ सेविंग या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी कोई एक रास्ता नहीं है, आपको अपनी कई आदतों को भी बदलना होगा। तो अगर आप भी अपनी हर ख्वाहिश पूरा करने का सपना देख रहे हैं तो ये एपिसोड्स आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि जिन छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर करते आ रहे थे वो फ्यूचर में कितनी इंपॉर्टेंट थी। किस तरह पैसे वाले लोग अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को असरदार तरीके से मैनेज करते हैं। कई बार सिर्फ देखने से ही आप किसी शख्स के दौलत के लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कि कई मिलेनियर आज भी सेकंड हैंड कार चलाते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे कैसे पेरेंट्स अपने जवान बच्चों की जिंदगी में जाने अनजाने में पैसों की मदद करते रहते हैं। वो अपने ही बच्चों का नुकसान कर डालते हैं जो उन्हें खर्चीला और कंफर्ट लेवल से बाहर आने से रोकता, जिससे वो खुद कभी अपने दम पर अमीर नहीं बन पाते। हमने पिछले एपिसोड में काफी बातें की जिससे आपको एक बेस समझ आ गया होगा कि हम पैसों के साथ कितनी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं। हमने हर एक पहलू को समझा और अब हम और आप मिलकर इसकी डीप साइड को रिवील करेंगे। अब हम एक एक करके इसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि किस तरह अपने पैसों को मैनेज किया जाए और कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। हम गलतियों से ही सीखते हैं और ये कहानी मैथमेटिक्स की तरह बोर नहीं करेगी, बल्कि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के जरिए इसे मजेदार बनाएंगे। याद रखिए, आप जिस पौधे को आज पानी दे रहे हैं फ्यूचर में आपकी पुश्तें उससे बैठे बैठे खाएंगी। इस एपिसोड के अगले 5 मिनट पेरेंट्स के लिए बेहद खास होने वाले हैं। गलती सिर्फ आजकल की जनरेशन की नहीं बल्कि रिस्पेक्टेड पेरेंट्स की भी है। मोदी जी क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो। ऐसा क्यों, समझाता हूं। अब एक बास की कहानी सुनिए। सबसे ताकतवर और डेडली शिकारी पक्षी दूर ऊंचाइयों पर उड़ने वाला शिकार पर ऐसे टूटता है कि अगला समझ ही नहीं पाता कि आसमान से क्या आफत आई। पकड़ ऐसी कि पंजों में दबोचते ही शिकार खुद सरेंडर कर देता है। हिंदी में कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। सॉरी, मैं यहां इसे पक्षी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा शिकारी। जिस कंडीशन में बाज खुद पाला है वो अपने बच्चों को भी ऐसी ही ब्रीड देता है। एक बाज का बच्चा अपने अंडों से बाहर आता है तो उसकी माँ कुछ ही दिनों में उसे उड़ने की प्रचंड ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। इस जबरदस्त ट्रेनिंग में वो अपने बच्चे को अपने बाजुओं में भरकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है। कल्पना करिए, इस ट्रेनिंग में बच्चों को बहुत ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। अब अचानक हुआ क्या, बाज ने हजारों फीट की ऊंचाई से बच्चे को छोड़ दिया। धीरे धीरे बच्चा धरती की तरफ बढ़ रहा होता है, हवा लगातार तेज होती जा रही है। अब उस बच्चे को एहसास होता है कि वो गिर रहा है और नीचे आते आते वो बच्चा समझ नहीं पा रहा होता कि आगे उसके साथ क्या होगा। अब बच्चा एकदम से धरती पर गिरने वाला ही था कि उसकी बाज माँ ने आकर उसे पकड़ लिया और फिर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चली, और फिर से यही दोहराया। ये ट्रेनिंग बाज तब तक अपने बच्चे के साथ दोहराता रहता है जब तक कि वो बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। अब देखिए, जब वो बाज का बच्चा आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंखों से गोते लगा रहा होता है तब दूसरे पक्षियों के बच्चे घोंसलों में दाने का इंतजार कर रहे होते। आजकल लग्जरी और सुख चैन की आदत से बच्चों का यही हाल है। जरा सी दिक्कत हुई कि माता पिता उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करने से नहीं चूकते। बेटा कमा रहा है, बेटी कमा रही है, लेकिन उन्हें उस कमाई को समझने का चांस तो दीजिए। अक्सर अपर मिडिल क्लास फैमिली के साथ यही दिक्कत आती है। उन्हें ये सोच लेना होगा कि अब लगाम नहीं लगाई तो वक्त दूर नहीं कि जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन प्रॉपर मिडिल क्लास लाइफ जिएगी। बंद कीजिए उन्हें जताना कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो चाहें तो बैठ बैठ कर खा सकते हैं। आज कमाने निकलेंगे तो लाखों कमाने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन खर्च करने लगे तो करोड़ों रुपए गंवाने में मिनट नहीं लगते।
ऐसा बिल्कुल अत्याचार भी नहीं करना, बस आप ही को उनके गुरु बनना है। और जिस मेहनत से आपने पैसे कमाए हैं, बच्चों को भी बस यही सिखाना है। उन्हें सीख दीजिए जब वो संभल ना पाए। ऐसा नहीं कि जरा सी फाइनेंशियल दिक्कत आते ही आप कुबेर बनकर अपना खजाना खोल दें। होगा ये कि वो पैसे लेकर केयरलेस हो जाएंगे। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप वो लोग हैं जिन्होंने 2 रुपए के घी को 700 रुपए लीटर होते देखा है। आपने जो मेहनत की है, जो दौर देखा है, उसे बांटिए हमारी जनरेशन के साथ। होता यह है कि पेरेंट्स की इस आदत और लाड़ प्यार से बच्चे मजबूत होने की बजाय केयरलेस हो जाते हैं। ऐसे जैसे मजबूत पैर तो हैं पर चलना नहीं, वजनदार पंख तो हैं पर उड़ना नहीं। समझिएगा, गमले में उगे पौधे और जमीन के पौधों में बहुत फर्क होता है। आप ये कीजिए कि बच्चों को एजुकेशन में अपने मन का सब्जेक्ट लेने की आजादी दें, उन्हें करियर ऑप्शन चूज करने में मदद करें, उन्हें समझाइए, डांटें। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इकोनॉमिक फ्रीडम अचीव करें, तो उनकी हर छोटी छोटी बात पर फाइनेंशियल हेल्प करना छोड़ दें। इसी आदत के चलते आगे फ्यूचर में अपर मिडिल क्लास से डाउनग्रेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने पहले कहा था कि वैसे ही मिडिल क्लास में इतनी भीड़ है और अब अपर क्लास वाले भी गलतियां करेंगे तो ये मिडिल क्लास वाले कहां जाएंगे। खैर, ये फैक्ट है कि आज के यूथ को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ी सख्ती की जरूरत है। इस एपिसोड से सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि यूथ को भी सीखना होगा कि पैसे गंवाना बेहद आसान है लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिससे हम जान पाएंगे कि छोटी छोटी मिस्टेक आगे हमें बड़ा नुकसान देती है। साथ ही समझेंगे इन्वेस्टमेंट के सेफ और इजी प्लान्स को जिन्हें आजमाकर आप स्मार्ट प्लेयर बन सकते हैं। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें अमीरी के रेस में बार बार पीछे रहने को मजबूर करती हैं। अमीर ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण आपका पैसे खर्च करने का तरीका है। चलिए समझते हैं कैसे। जितना पैसा आपके पास आ रहा है उसे आप फिजूल खर्च में उड़ा रहे हैं। महीने के अंत में जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो धीरे धीरे आप गरीबी की ओर बढ़ेंगे। दूसरा कारण कि आप पैसा तो खूब कमा रहे हैं लेकिन आप पर लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, यानी पैसा तो आता है लेकिन ज्यादातर हिस्सा लोन भरने में चला जाता है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल और भी काफी सारे लोन। मान लीजिए इन सब के बावजूद भी आपके पास एक बड़ा घर और कार है जिसका लोन आप भर रहे हैं, तो आप अमीर लोगों की रेस में तो हैं लेकिन मंथ एंड आते ही पिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह सिंपल है और वो है लायबिलिटी। ज्यादातर लोग अमीर दिखने के चक्कर में इतने सारे लोन के चंगुल में फंसते जाते हैं। इसीलिए अमीरी का दिखावा नहीं बल्कि अमीर बनने के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो अमीर लोग क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ाने से ज्यादा एसेट खरीदते हैं, यानी पैसे का रोटेशन, ताकि एक जगह पैसा जाए तो एसेट्स के जरिए उसकी भरपाई हो जाए। बात फिर वहीं घूमकर यूटर्न लेती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके पास बहुत से तरीके हैं जिनसे आप ऐसी संपत्ति बना सकते हैं जो आपके वॉलेट को कभी खाली नहीं होने देगी, जैसे बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, गोल्ड। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी जरूरत और रिस्क उठाने की हिम्मत के हिसाब से इन्वेस्ट करें। इन सब में पैसा लगाने के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अमीर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप दिन रात अपनी सोच को बड़ा कीजिए, फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि कामयाबी हासिल करने का पहला कदम आपके ड्रीम्स है, आपकी सोच है। जैसे आपको इंग्लिश सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं, बस खुद से अंग्रेजी में बात कीजिए। धीरे धीरे ये आपकी रोजमर्रा की आदत में शामिल हो जाएगी। आपको पता है धीरू भाई अंबानी अपने गरीबी के दिनों में ताज होटल में सिर्फ इसीलिए चाय पीने जाते थे कि वो ये देख सके कि अमीर लोग कैसे बिहेव करते हैं। इसीलिए फैसला आपको करना है, या तो सीखने के लिए ओपन माइंडेड होना होगा या अपनी किस्मत को स्वीकार कर शांत हो जाइए। एक्चुअली फाइनेंशियल समझ ना होने की वजह से मिडिल क्लास में पैसे खो जाने का डर बना रहता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फर्क मालूम होना चाहिए। हमेशा एसेट्स बनाने पर दिमाग लगाइए, अमीर बनने का यही सबसे जरूरी नियम है। दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे की प्रॉब्लम में सिर्फ इसीलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क क्या है। होता यह है कि रिच लोग एसेट्स बनाते हैं, दूसरी तरफ मिडिल क्लास खुद को अपग्रेड करने के चक्कर में लायबिलिटीज इकट्ठी करते जाते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि उन लोगों को लगता है कि जो कुछ उन्होंने लोन से खरीदा है वो उन्हीं की एसेट है। एसेट वो है जो हमारी पॉकेट में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। असल में आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लाइफ का एक रूल बना लीजिए कि अपनी कमाई से एसेट खरीदेंगे।
इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है कि आपकी लोन पर ली हुई कार आपके लिए जिम्मेदारी है और घर में रखा सोना आपकी दौलत है। हाँ, अगर आप मिडिल क्लास ही बने रहना चाहते हैं तो लोन की जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं। अमीर बनने के लिए आपको अपने पैसे से दोस्ती करनी होगी और उसकी इज्जत करनी होगी। अमीर बनने के लिए ये भी एक जरूरी नियम है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पैसे वाला होना या पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है, ये गलत है। मिडिल क्लास परिवार में हमें बताया जाता है कि पैसा ही बुराइयों की जड़ होती है। अमीर लोग बेईमान होते हैं और पैसा गलत कामों के जरिए ही कमाया जा सकता है। आपको अपनी इस मेंटालिटी को बदलना होगा। अट्रैक्शन ऑफ मनी का रूल कहता है कि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत करेंगे तो इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग पैसे की बुराई करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं। दोस्तों, पैसा ही तो आपके सफल होने की निशानी है, तो पैसे की बुराई कभी ना करें। एक बात ध्यान में रखें कि आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन गरीबी में ही मरना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। मिडिल क्लास आदमी की इनकम उसकी नौकरी पर डिपेंड करती है और उसी इनकम को वो टैक्स, फूड और लाइफस्टाइल मेंटेन करने में खर्च करता है। इसके साथ साथ चलती है जिम्मेदारियां जैसे लोन और क्रेडिट कार्ड। ऐसे तो मिडिल क्लास आदमी की इनकम आती जाती रहेगी और वो पूरी जिंदगी इसी में उलझा रह जाएगा। अब अमीर आदमी को देखिए, वो एक इनकम के भरोसे नहीं बैठे रहते, वो लोग इनकम के ऑप्शंस तैयार करते हैं, ब्याज, रेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट और रॉयल्टी। मिडिल क्लास पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और रिच लोगों के लिए पैसा काम करता है। कहते हैं ना, पैसे से पैसा बनता है, वो लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं। आपके स्मार्ट होने से अमीरी का कोई रिलेशन नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी डिसाइड करती है कि आप अपने पैसे को लेकर किस तरह के डिसीजन लेते हैं। जितने में लाइफ अच्छी खासी चले, आप पॉजिटिव सोच रख पाएं और मुसीबत के वक्त आपकी बचत काम आए, पर समझ जाइए आप अमीर हो गए। मैंने शुरुआत में कहा था कि हम मिडिल क्लास से क्लास से जुड़े हुए वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ अगर स्टूडेंट्स भी हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए फिलहाल एजुकेशन में खुद को इन्वेस्ट कर देना सबसे बड़ी सीख और ट्रिक है। उन्हें फ्यूचर में पैसा बनाना है तो शुरुआत अभी से करनी होगी। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप अमीर हैं या गरीब। मुझे गरीबी का कत्ल करना है, इसके लिए मुझे दिन रात पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है आज जितने भी लोग इन एपिसोड को सुन रहे हैं वो शायद तूफानों के बीच अपनी कश्ती चला रहे होंगे, लेकिन सिर्फ आप वो कैटेगरी हैं जिनकी कश्ती अभी किनारे है, जिन्हें ये डिसाइड करना है कि कश्ती को पानी में सेफ कैसे उतारा जाए, कौन से तरीके आजमाकर जिससे फ्यूचर में अमीर बनने के सपने को पूरा किया जा सके। वो सब नहीं तो कम से कम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को तो मेंटेन किया जा सके। आर्थिक चुनौतियों से आज हर तीसरा इंसान लड़ रहा है। आपके पास तो अभी टाइम है, धोबी पछाड़ देकर इन चुनौतियों को हराना है या लड़ना है, गिरना है फिर लड़ना है और यही करते रहना है। सबसे पहले आप समय के महत्व को समझें। जब तक आप कमाने वाली स्टेज तक पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आपने सही वक्त पर सही चुनाव किया। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि अब मौज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कॉलेज में मैंने महसूस किया कि कुछ लड़के जिन्हें क्लास बंक करना और एग्जाम के वक्त टीचर से सेटिंग करना बड़ी अचीवमेंट लगता था, अक्सर ऐसा करते हुए पूरा कोर्स निपट जाता है, मालूम नहीं चलता। आखिर में मिलती है बेरोजगारी और एक ऐसी टारगेटलेस लाइफ जिसे हमने पूरे 4 साल में बर्बाद कर दिया। चलिए, ये तो हमारे वक्त की बात थी। मुझे भी लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब वक्त बर्बाद करने की नई टेक्नोलॉजी आई है, OTT प्लेटफॉर्म। यूथ इन वेब सीरीज के ट्रैप में बुरी तरह उलझ गया है। आजकल किसी वेब सीरीज पर घंटों बैठकर डिस्कशन चलते हैं। एक तो मैडम ने उससे निपटाने में पूरा हफ्ता दिया, और अब 2-3 घंटे सहेलियों से चर्चा ना हो तो गया साल भर का सब्सक्रिप्शन वेस्ट। ये कूल दिखना नहीं बल्कि फूल होना है। ये लत ऐसी है कि कब रात के 3 बज गए मालूम नहीं चलता। अरे, कल क्लास भी है, ढेरों असाइनमेंट है, अब वो सब निपटाने मुन्ना भैया या कोरियन फिल्मों के राजकुमार तो नहीं आएंगे। आप नहीं कमा रहे, अच्छी बात है, लेकिन आपके पेरेंट्स जिन्होंने बेतहाशा पैसा खर्च कर आपको मेट्रो सिटी में भेजा है, उन्हें धोखा मत दीजिए। वेब सीरीज कहीं नहीं जा रही। आज आप किसी से जुगाड़ कर जिन वेब सीरीज को देख रहे हैं, कल भी वो वहीं होंगी। लेकिन कॉलेज के 5 साल दोबारा नहीं आएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई कम और खर्चे ज्यादा करते हैं, चाहे वो कमाते नहीं, लेकिन उनका डेली का खर्च इतना ज्यादा होता है कि पूछिए मत। खर्च भी ऐसे जिसका कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान, बेवजह घूमना, सिगरेट, मौज शॉप। क्योंकि एक फोन कॉल किया, जरा समूह बनाया और इधर से पिताजी ने किया पैसा ट्रांसफर। अगर एक स्टूडेंट चाहे तो वो भी अपनी पॉकेट मनी को बचाकर उसे स्टॉक मार्केट या कहीं इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकता है, और ये सब काम तो आजकल आपके मोबाइल से ही होने लगे। दोस्तों, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो पैसा बचाना सीखिए और फिर उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करिए, तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं और अपनी लाइफ में पैसे को लेकर आने वाली प्रॉब्लम को काफी ज्यादा हद तक दूर कर सकते हैं।
होता ये है कि पैसा इन्वेस्ट करने से वो हमारी पार्ट टाइम इनकम बन जाती है, जिसे हमने वीकली इनकम कैश फ्लो के जरिए समझा था। ये हमें समय समय पर काफी सपोर्ट करती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पैसा कमाने की स्किल से पहले पैसा बचाने की स्किल जरूर सीखें। एक बात और, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा नहीं तो स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज जरूर ले लें, तभी उस पर पैसा लगाएं। हम यूथ को अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी समझना होगा। इसके अलावा अगर आपको सिगरेट, गुटखा, शराब आदि का शौक है तो उसके लिए एक बजट बना लीजिए और कोशिश करके हर महीने उस बजट को कम करिए। ये वो खर्चा है जो कभी गिना नहीं जाता लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान देता है। कैसी भी कंडीशन हो, उधार लेने और देने दोनों से बचिए। उधार आपको हमेशा पीछे की ओर ले जाता है, ये आपको एकदम से नहीं दिखता लेकिन जब आप कुछ 4-5 साल का हिसाब करोगे तो एक बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। अगर आपने अपने 5 साल थोड़ा पैसा बचाते हुए निकाल लिए तो अमीर बनने का तो पता नहीं, लेकिन आप आज के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर, लैविश और आर्थिक रूप से मजबूत इंसान जरूर बन जाएंगे। याद रखिए, अमीर बनने का कोई भी जायज शॉर्टकट नहीं है। हाँ, यदि आपकी किस्मत करोड़ों में एक वाली है तो अलग बात है, वरना अमीर बनने का एक ही नुस्खा है, सेविंग्स पर इन्वेस्टमेंट और मेहनत। चलिए, नौकरी और इन्वेस्टमेंट की बातें बहुत हुई, अब जरा उन लोगों को भी मोटिवेट किया जाए जो बिजनेस करना चाहते हैं या भी कंफ्यूज्ड हैं कि नौकरी करें या बिजनेस। अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता है बिजनेस। हाँ, रिस्क हर चीज में, लेकिन एक बार आपने सही रफ्तार और सही राह पकड़ ली तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कई किस्से कहानियां सुनी होंगी जहां कुछ लोग एक नॉर्मल लाइफ से उठकर टीनेज में ही अमीर बन जाते हैं, इतनी दौलत कमाई कि आज उन्हें देख सोचते हैं कि ये उन्होंने किया कैसे। पढ़ाई में एवरेज, फैमिली बैकग्राउंड में एवरेज बंदा आखिर इतना टॉपर कैसे पहुंचे। आप ऐसे किसी भी अपने पसंद के रोल मॉडल की बायोग्राफी उठाकर देखिए, एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना और उसे बेचना। यानी उन्होंने कोई परचून की दुकान नहीं खोली या फिर कोई कॉमन आइडिया पर काम नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि परचून की दुकान कर लेना गलत है, आज बड़े बड़े मार्ट जाइए, सारी चीजें मिलेंगी, वो भी एक छत के नीचे। बस यही सलूशन हमें भी ढूंढना है। आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मानकर चलिए, एक साल में मिलियन बिलियन कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिंपल है, आपका एक साधारण ग्रोसरी शॉप पर जाएंगे तो हो सकता है आपको उतना डिस्काउंट या फिर जरूरत का सामान ना मिले। दाल कौन सी लेनी है, चावल की क्वालिटी क्या है, नॉर्मल शॉप पर आपको ये आजादी नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं बड़े मार्ट्स पर, आराम से घूमो, खुद सामान सेलेक्ट करो, डिस्काउंट भी लो और बजट की भी कोई टेंशन नहीं। ये था सोल्यूशन जिसे लोगों ने एक्सेप्ट किया और अब फायदा दोनों तरफ हो रहा है। तो चाहे कोई कॉमन बिजनेस भी ले लीजिए, लेकिन मार्केट रिसर्च कीजिए, हो सकता है आपको ऐसा तरीका मिल जाए जो आपको मालामाल कर दे। जितने भी अमीर लोग हैं वो 8 घंटे की जॉब करके या अपना बिजनेस करके बहुत अमीर नहीं बने। उन्होंने रिसर्च की और ढूंढ निकाला प्रॉब्लम का सलूशन। उन्होंने अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम को समझा और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के उनके एटीट्यूड ने उन्हें अमीर लोगों की लाइन में खड़ा कर दिया। आप यहाँ फेसबुक पर चैटिंग कर करके फोटो डाल डाल के अमीर दिखने का ढोंग करते हैं और वहाँ मार्क ज़करबर्ग फेसबुक पर नई नई अपडेट देकर आपको बिजी बनाए रखते हैं ताकि जो दिखावे का गुब्बारा है वो कभी ना फूटे। अपने मार्क ज़करबर्ग जब कॉलेज में थे तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ नया करते और दुनिया को एक दूसरे से जोड़ते। तब लोगों के पास कनेक्ट रहने का कोई जरिया नहीं था तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए फेसबुक बना डाला। हाँ, वक्त लगा लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। आज पूरी दुनिया मार्क भैया को जानती है। इतना ही नहीं भाई, अपने यूपी बिहार वाले तो मार्क भैया के जन्मदिन की बधाई के पोस्टर भी बनवाते हैं। जोक से बात, ठीक ऐसी ही कहानी इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, बाबा रामदेव, संदीप महेश्वरी और लाखों ऐसे एंटरप्रेन्योर की है जो दूसरों की लाइफ से प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं और उनकी लाइफ को आसान बना रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सीक्रेट है जिनमें सफलता की 100% गारंटी है। आप तो इस सीक्रेट को भी फॉलो मत कीजिए, बस उन चीजों को खोजिए जो आपके आसपास के लोगों और आपकी लाइफ को इजी बना दे। ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए और क्रिएटिव जॉब सर्च कर रहे युवाओं के लिए बेहद फायदे का सौदा हो सकता है। अक्सर यंग एज में दिमाग के घोड़े बहुत तेजी से दौड़ते हैं, एक बार जिम्मेदारियों का बोझ आ गया तो समझो कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर आना ही होगा। उस कंडीशन में आपके लिए कई ऑप्शंस कम हो जाएंगे। मैंने देखा है बच्चे आजकल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डेली लाइफ को आसान बना रहा है। आज ग्रेजुएट्स के लिए कॉलेजों में इसी तरीके की बड़ी बड़ी हैकेथॉन आयोजित होती हैं। ये क्या है? ये स्टार्टर है जो आपको क्लिक करती है, एक आइडिया देती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस में कितना फायदा है।
दोस्तों, अमीर बनने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा, पर हाँ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लगातार कोशिश के बिना अमीर बनना बेहद मुश्किल है। हमारी इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना या आप अपनी जॉब में खुश हैं। किसी एक प्रोफेशन को चुनने के बाद उसमें इतनी रिसर्च कर लीजिए कि उस फील्ड के मास्टर बन जाइए। वो कहते हैं ना, अपनी फील्ड के इतने पक्के खिलाड़ी बन जाओ कि आपको गिराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। अपनी फील्ड के बारे में इतना ज्ञान जुटा लो कि आपसे बेहतर उस सब्जेक्ट के बारे में ना तो कोई जानता हो ना ही समझता हो। यह आप जॉब या बिजनेस करते हुए साथ में कर सकते हैं। जब आप अपने फील्ड में बेहतरीन हो जाएं और लोग आपकी तारीफ करने लगे, तब फिर आगे बढ़े और नई चीजों के बारे में सीखने की कोशिश करें। जैसा आपको मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन की अच्छी नॉलेज है, तो आप कंटेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी चीजों पर रिसर्च करके सीखें। ऐसा भी मत कीजिए कि आप खुद की लिमिट डिसाइड कर लें कि मैंने तो आर्ट्स और कॉमर्स या साइंस पढ़ा है तो मैं सिर्फ इसी फील्ड में कॉमन नॉलेज लूंगा। आप ढूंढेंगे तो आपको अपनी ही फील्ड में कई सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाएंगी। कुछ ऐसा कंटेंट, आर्ट आइटम, इन्वेंशन करें जिसे बाकी लोग कंज्यूम कर सकें। नेटवर्किंग करें, अच्छे और सफल लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। एक अच्छा मेंटोर आपको अपने एक्सपीरियंसेस से नई चीजें सिखा सकता है। समस्याओं से घबराने के बजाय उनके सॉल्यूशंस को ढूंढें। जो समस्या आप फेस करते हैं वही समस्या लाखों लोगों को भी हो सकती है। क्या आप कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है और आपने एक भी समस्या का समाधान कर दिया, तो आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करें। ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को कोई भी इग्नोर नहीं करता। एक बार थोड़ी सी सफलता मिलती है तो लोग खुद को भगवान समझ लेते हैं और सीखना छोड़ देते हैं। आप इलॉन मस्क को देख सकते हैं, हर दिन कुछ नया सीखने और करने की चाह इन्हें सफल और अमीर बनाती है। इसमें सोचने का फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। जैसे मिडिल क्लास हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि पैसा कमाना है तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना होगा। अमीर आदमी सोचता है मुझे पैसे के जरिए अपने काम करवाने। मिडिल क्लास की सोच है ज्यादा पैसा आ गया तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अमीर सोचता है पैसा फ्रीडम देता है जिससे मुझे अपनी जरूरतों से समझौता ना करना पड़े। वो सोचता है कि मुझे लोगों को इस बात के लिए राजी करना है कि वो मुझ पर पैसा लगाए। इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि मुझे अपनी मौजूदा स्थिति को बदलना ही है। मैं मिडिल क्लास से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर इसी ठप्पे के साथ जीऊंगा। मुझे वक्त और हालात दोनों बदलने हैं।